This headline segment is brought to you by Gauhar Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अथर शेख, आप देख रहे हैं फाइन टीवी हेडलाइंस। सिंध पुलिस की राव अनवार को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें बेसूद, सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म होने में एक दिन रह गया। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने राव अनवार का सुराग लगाने के लिए हसास इदारों से भी मदद मांग ली। कसूर में 8 साल बच्ची से ज्यादती की मुबैन कोशिश नाकाम, शहरियों का मुलजिम पर तशद्दुद, मुजाहिरीन ने देर से पहुंचने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। अफगान ट्रांजिट रेट पर नॉन कमर्शियल कार्गो के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त खत्म, तहम इस्तिस्ना सर्टिफिकेट की शर्त बरकरार। एफबीआर की जारी करदा एसआरओ के मुताबिक ये रियायत सिर्फ नॉन कमर्शियल कार्गो के लिए है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 9 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा मंशियात और दीगर सामान बरामद कर लिया। शहर कायद में सहूलतों का फुकदान, गंदगी और कचरे के बाइस बीमारियां फैलने लगी, इंतजामिया खामोश, आवाम परेशान। और मुल्क भर में खुश मौसम की हुक्मरानी खत्म होने को है, महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के नए सिस्टम शुरू होने की पेशगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। ये थी फाइन टीवी हेडलाइंस, देखते रहिए फाइन टीवी।